माननीय प्रधानमंत्री जी परिवर्तित रेल यूनियन की ओर बढ़ रहे हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार स्वस्थ वाचन के मध्य माननीय प्रधानमंत्री महोदय लोकार्पण की प्रक्रिया का शुभारंभ करने के साथ ही ट्रेन रेल इंजन के केबिन का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री जी अब इस रेल यूनियन का विधिवत लोकार्पण करने हेतु मंच की ओर अग्रसर हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय इस अभिनव प्रयास पर बनी एक लघु फिल्म का अवलोकन करेंगे। पिछले 4.5 वर्षों इसने रचे कई गीत अपने उपलब्ध संसाधनों के इस्तेमाल से इसने एक बार फिर बनाया है नया रिकॉर्ड। दुनिया में पहली बार वाराणसी के डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ने बदला है 2x2612 HP डीजल लोकोस उच्च अश्व शक्ति के 10,000 HP ट्विन इलेक्ट्रिक लोको जिसमें लगे हैं सिर्फ 73 में। ये सब संभव हुआ है मेरी विद्या के कारण। आइए आपको इस डीजल से इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए कुछ खूबियों के बारे में बताते हैं। इस वातावरण से परिवर्तित विद्युत रिफ्लेक्शन का यानी इसकी जो क्षमता है उसमें 92% की बढ़ोतरी होगी। ये इंजन पूरी तरह प्रदूषण मुक्त होने के साथ साथ 86% की ट्रैक्टिव एफर्ट उपलब्ध कराया था जिसके कारण अधिक भार वाली मालगाड़ियों की औसत गति काफी वृद्धि हुई। इसके इस्तेमाल से ईंधन की बचत और कार्बन उत्सर्जन में कमी आई और एक बात जो इस इंजन को और भी खास बनाती है वो है इसकी पहले से कम लागत। मतलब ये इंजन समय ईंधन और पैसे तो बचाएगा साथ ही प्रकृति का ख्याल भी रखेगा। कुल मिलाकर इस इंजन द्वारा रेलवे और देश के विकास को मिलेगी नई आज भारत की ओर विश्व देख रहा है। अब सीमित संसाधनों में को समर्पित करेंगे। करतल ध्वनि से इस पल का अभिवादन करें। यह ऐतिहासिक पल न केवल डीए का बल्कि संपूर्ण प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। आपकी तालियों के अनुगूंज के बीच यह कार्य संपन्न होगा।